छत्तीसगढ़ के मेनपाट महोत्सव के दौरान हुई शराबखोरी की घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्ष जहां प्रशासन पर हमले बोल रही है, वहीं सत्ता पक्ष इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। मैं कहता हूं कि जितने भी पर्यटन स्थल पर लोग जाते हैं, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने थोड़ा ना जाते हैं, वहां पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए सभी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। जी हां, मंत्री अमरजीत का यही वो बयान है जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल मेनपाट महोत्सव के दौरान हुई शराबखोरी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यहां लोग मौज मस्ती करने आते हैं। जो भी पर्यटन स्थल है वहां पर लोग खुशियां मनाने जाते हैं, वहां पर इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, और उसमें इस प्रकार का कोई आरोप लगाए ये सरासर गलत है। और मेनपाट के विकास, वहां के आयोजन से जो लोग जलते हैं वही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जितने भी पर्यटन स्थल पर लोग जाते हैं, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने थोड़ा ना जाते हैं, वहां पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए सभी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। अब इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्री अमरजीत के बयान का समर्थन तो किया, साथ ही जांच की बात भी कह दी। इसमें मुद्दा जैसी कोई बात नहीं है, मेनपाट का उत्सव था, वहाँ अगर इस तरीके से हुआ, लेकिन माननीय मंत्री जी बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आया मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को देखना भी चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को विपक्ष इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाह रहा है। इसी का नतीजा है कि पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार पर निशाना साध दिया। मुझे याद है कि जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाते थे तो यही लोग कहते थे कि बाहरी कलाकारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब वहां पर कौन से कलाकार बाहरी, हमारा तो ये मानना है कि जो संस्कृति है वो अंदरूनी और बाहरी नहीं होती, वो देश की संस्कृति होती है, परंतु इसको भी उन्होंने बांटने की कोशिश की थी और आज दारू संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनकी संस्कृति दारू संस्कृति और दारू के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, अगर यही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इसका निर्णय करेगी। दरअसल सरगुजा जिले के मेनपाट में हर साल मेनपाट महोत्सव का आयोजन होता है। ये महोत्सव यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन जिस तरह से मंत्री अमरजीत भगत के अजीबोगरीब बयान से प्रदेश की राजनीति ने रंग बदला है, उससे साफ जाहिर है कि अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 8।